राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भिवानी में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान वो प्रेमनगर के किसान धरने पर पहुंचे और धरने पर बैठे किसानों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मानवता के लिए किसानों से आंदोलन समाप्त करने को कह रही है, जबकि सरकार को ऐसे संकट काल में भी अपना घर परिवार छोड़कर आंदोलन कर रहे किसानों का दर्द समझना चाहिए। पिछले करीब 5 महीनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान 300 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुई और उसने जरा भी मानवता नहीं दिखाई। उन्होंने जब आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि और परिवारों को नौकरी व आर्थिक मदद देने की मांग उठाई, तो किसान परिवारों को आर्थिक सहायता या नौकरी तो दूर, ये सरकार शहीदों को श्रद्धांजलि तक देने के लिए तैयार नहीं हुई। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया कि आखिर सरकार किसानों का दर्द कब समझेगी। ऐसा लगता है ये सरकार पूरी तरह से संवेदन शून्य हो चुकी है। उन्होंने सरकार से फिर आग्रह किया कि मानवता के लिए वो अपनी जिद छोड़े और किसानों की मांग स्वीकार कर उन्हें घर लौटा दे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी की माताजी को श्रद्धांजलि देने भवानीखेड़ा हलके में उनके गांव सिपर स्थित आवास पर पहुंचे और परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालातों को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को समय रहते बाकी प्रदेशों की स्थिति को देखते हुए सबक लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना का नया वेरियंट बेहद खतरनाक है और काफी तेजी से फैल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है। देश के कोने कोने में हर रोज सैकड़ों लोग जान गंवाते जा रहे हैं। यदि सरकार नहीं और तत्काल जिलों में हॉस्पिटल और बेड्स की संख्या बढ़ाने, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने जैसे इंतजाम युद्ध स्तर पर नहीं किए गए, तो इसके दुष्परिणाम पूरे प्रदेश को भुगतने पड़ेंगे। हल्ला बोल हरियाणा।